गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जगह लेके जा रहा हूँ। ये है प्रगति मैदान से हम लोग जा रहे हैं सराय कालेखां। लेफ्ट अंडरपास के अंदर से ही नोएडा के लिए रास्ता भी है, मतलब कि टनल के अंदर से वाई शेप बनेगा लेफ्ट और राइट। और अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी है ये टनल, और ये टनल मोदी सरकार का बेजोड़ गिफ्ट है दिल्ली की जनता को। बहुत ही बेहतरीन और शानदार नक्काशी और ये वॉल पेंटिंग, और साथ में यहाँ पे वुडन वर्क जो CNC कटिंग के साथ में इंडियन कल्चर को दर्शाया गया है। यहाँ से मैं एक बारी पहले भी निकला था, और मेरे प्लान में ये था कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताऊं, लेकिन मेरे को अभी इसके बारे में कोई लिटरेचर ऐसा मिला नहीं है जिससे मेरे को इसके बारे में कुछ प्रॉपर जानकारी मिले। सिर्फ फ़िलहाल मैं आपको टनल दिखा रहा हूं। ये टनल में इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं जिससे यहां पे वेंटिलेशन बना रहे और हमारे मोबाइल के नेटवर्क भी आते रहें। बूस्टर लगे हुए हैं इसमें, लाइटिंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और सफाई है काफ़ी, अभी बिल्कुल नहीं है इस वजह से भी मैं कह सकता हूँ। और वैसे भी कुछ इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी जो मेरे को दिख रही है कि यहाँ पे गंदा होना संभावना कम है। और ये जो मैं वाई शेप की बात कर रहा था, ये आगे है लेफ्ट वाला रास्ता जो ITO की तरफ निकल जाएगा। यहाँ टनल इसके लिए ख़त्म हो जाएगी और ये सीधा हम सराय कालेखां, नोएडा और अक्षरधाम के लिए भी ये रास्ता जा रहा है। ऑलमोस्ट हम एंड में आ चुके हैं, और मैं मानता हूँ 1.5 किलोमीटर हो गया होगा। और ये बाहर का नज़ारा है, टनल से हम बाहर निकल रहे हैं। देखो जी, वेल मतलब पेंटेड, और इसमें मेरे को पेंट में लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और कुछ ये जो पक्षी बर्ड्स घर बने हुए हैं पेंटिंग में, सारे इंडियन जो यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं बहुत ही शानदार है। ये सीधा नोएडा की तरफ जाएगा, और अगर किसी को प्रगति मैदान जाना है तो यहाँ से राइट होके वापस इंडिया गेट के सर्कल से होके आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से इस वक्त माल गाड़ी निकल रही है, ये इंडियन रेलवे लाइन है। मैं यहाँ से पीछे की तरफ जाता हूँ तो ये ITO आता है मेरे पीछे, राजघाट भी इसी पीछे वाली डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ से हम सीधा चले जाते हैं तो ये आश्रम की तरफ जाता है। और यहाँ एक फ्लाईओवर आने वाला है, यहाँ से हम लेफ्ट जाते हैं तो अक्षरधाम पहुँचेंगे, और अक्षरधाम से सीधा अगर हम चले जाते हैं तो मुरादाबाद के लिए रास्ता ये निकलता है। गाज़ियाबाद से होते हुए हम मुरादाबाद पहुँचेंगे। धन्यवाद जी।